यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ के बीड़ प्लासी में अवैध खनन जोरों पर है। खनन माफिया के हौसले इस कदर बुलंद है कि मानो उसे प्रशासन का कोई डर ही ना हो। खनन माफिया दिन दहाड़े ही सरसा नदी में अवैध खनन का अंजाम दे रहे हैं और सरकार और प्रशासन खनन को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। स्थानीय किसानों का कहना है कि उन्होंने इस बार बार विभाग को शिकायतें दी, लेकिन ना तो पुलिस प्रशासन इस ओर कोई ध्यान दे रहा है और ना ही सरकार कार्रवाई कर रही है। किसानों का कहना है कि इस अवैध खनन की वजह से एक तो पानी का जल स्तर काफी नीचे चला गया है और खनन की वजह से उनकी सैकड़ों बीघा जमीन बंजर होने की कगार पर आ गई है। उन्होंने आशंका जताते हुए कहा कि इस बरसात से पहले पहले अगर अवैध खनन नहीं रोका गया तो उनकी फसल सरसा नदी के पानी के कारण बह सकती है। हमारी जमीनों को जो ट्यूबवेल लगे हुए हैं उनके जो जल स्तर नष्ट हो गया है, हमने दूसरी बार ट्यूबवेल लगवाए हैं अपनी सिंचाई के लिए और हमारी जमीन इसमें इस नदी में बहुत भारी बाढ़ें आती है और कालकन तक का पानी इसमें आता है, जो कि हमारी जमीन के हट जाने की आशंका पूर्ण रूप से बन गई है। हम लोग इनसे बहुत परेशान हैं। अगर हम लोग इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, ये लोग तो 150 की तादाद में होते हैं, 100 लेबर वाले होते हैं, 55-53 ट्रैक्टर वाले मालिक होते हैं जो हमें मारने की धमकियां देते हैं, जान से मार भी सकते हैं।